गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सामर शिव दरगाह आप लोग कैसे जा सकते हो और बस टेम्पू ट्रेन कहाँ से मिलेगी आपको, उसका टिकट प्राइस क्या रहेगा। तो देखें यहाँ पे गांव में ज़्यादातर यहाँ पे चलती है जिप्सी, तो हम भी देखेंगे कोई जिप्सी हमारे लिए भी मिल जाए तो हम जिप्सी में बैठ के सफ़र करेंगे। तो ये जिंदा शाह मदार की बारगाह है और इनकी भलाई की बारगाह के नाम से यहाँ पे मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाइस जैसे कि आपको पता हम सामर शरीफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें इतना कोहरा मिल गया कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, चारों तरफ कोहरा, वहाँ पर भी कोहरा, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी। सामने ट्रेन खड़ी हुई है और ये सामने बाबा की तरीके से जिंदा करामत होती है अभी थोड़ा सा आप लोगों को। ये देखो ट्रेन जा रही है हमारी, मेरा फोन गिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज हम लोग जा रहे हैं सांबर शरीफ दरगाह। तो यहाँ से अजमेर शरीफ दरगाह से कितना किलोमीटर दूर है गरीब नवाज सरकार के पोते साहब की बारगाह जो कि ख्वाजा हसामुद्दीन रहमतुल्लाह का बारगाह है और वहाँ पे उर्स मुबारक चल रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं तो अजमेर शरीफ से कैसे जा सकते हो वो आपको रास्ता बताएंगे, ट्रेन से, बस से और टेम्पू जो भी रास्ते हमको मिलेगा सब बताएंगे और रास्ते में कौन कौन सी दरगाह मिलेगी वो भी दिखाएंगे। एक दरगाह बहुत ज़्यादा फेमस है रेलवे पटरी वाली फुलेरा वाली वो दिखाएंगे, उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे एक गांव पूरा उल्टा कर दिया बाबा जान ने अपने जिंदा करामत वो हुई है तो वो भी बताएंगे। तो पूरा कंटिन्यू वीडियो देखना ताकि समझ में आए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। तो चलते हैं बिना वक्त गवाए और कैसा माहौल है वो बताते हैं। सुबह का बज चुकी है, 6 बज चुके और 6 बजे का माहौल है अजमेर शरीफ। तो हमारा भाई रिक्शे वाला मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन हम तीनों ने। भाई हम 3 सवारी हैं, रेलवे स्टेशन जाना कितना रुपये लगेगा? 1 सवारी का 20 रुपये बोल रहे हैं मोहन भाई, पर अपन देंगे 50 रुपये तीनों के, डन। चलिए तो हमने 50 रुपये में बुक कर लिया है। चलिए वैसे तो 20-20 रुपये शेयरिंग आएंगे पर हमने 50 रुपये में बुक कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम जाते हैं रेलवे स्टेशन और फिर पकड़ते हैं सीधा ट्रेन और निकलते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे अजमेर का मित्तल मॉल है, ये खुल चुका है, यहाँ का पूरा वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पर डाल चुका हूँ तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और आज 26 जनवरी की देखिए यहाँ पे सजावट भी हो गई है, मित्तल मॉल अजमेर आगरा गेट पे खुल चुका है, हमारे अजमेर का सबसे बड़ा मॉल है। तो फाइनली हम लोग अजमेर के रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं और सामने देखिए जयपुर और ये यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ अजमेर टू जयपुर डेमो ट्रेन जा रही है। हम सोच रहे हैं कि सुबह के 7:15 वाली पे इसी पे पकड़ लेंगे और नहीं तो जो मिलेगी वो लिख लेंगे अपन। और एक चीज़ और बता दूँ, आप कभी भी अजमेर शरीफ आते हो ना तो आपको किसी ने एक चीज़ नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पर है ना बिल्कुल बस रेलवे स्टेशन के ये गेट है ना जो जहाँ से टिकट वगैरह लेते हैं अपन, ये गेट से निकलते ही बाहर बाबा जान की दरगाह है। ये देखिए जब सरवार शरीफ दरगाह का उर्स होता है ना स्टार्ट, गरीब नवाज सरकार के बड़े साहबजादे का जब उर्स होता है तब यहीं से चादर शरीफ को ले जाया जाता है, मतलब दरगाह गरीब नवाज से। फिर दरगाह गरीब नवाज से होने के बाद में दरगाह शरीफ में यहाँ से चादर को लेकर के जाया जाता है, वहाँ से यहाँ तक जुलूस आता है सलाम वालेकुम बाबा। तो ये देखिए ये अजमेर की रेलवे स्टेशन वाली दरगाह है, ये बाबा बताएंगे। बाबा ये अपनी कितनी पुरानी दरगाह है और यहाँ पे बहुत पुरानी दरगाह है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो ये गरीब नवाज के कौन थे? ये गरीब नवाज के बहुत करीबी और घर का मसला है जी, और ये गरीब नवाज के चाहने वालों में लगते हैं जी। ये शहीद हैं जी हजरत सैयद उबैद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पाक जी, इनका ताल्लुक बा फखर रहमतुल्लाह अलैह पाक से है। अच्छा सलवार शरीफ से। तभी अजमेर दरगाह से जो चादर आती पहले यहाँ आती, यहाँ से फिर वहाँ जाती है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा बाबा आपका? मेरा नाम मोइन बाबा है। अच्छा तो दिन में मतलब सुबह सुबह रात भर आप खिदमत यहाँ कर लेते हैं? 2 घंटे मैं रहता हूँ। अच्छा बाकी फिर ये रहते हैं, क्या नाम है इनका? ये भी खत्म हो गए। अच्छा अच्छा, अभी आप खिदमत करते हैं यहाँ पे। इनकी करामत क्या है बाबा? करामत बहुत है, सही रहे आप और सही रहे आप। अच्छा सैयद उबैद अली शाह, ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे जो भी मन्नत मुराद सब पूरा होता है इनका, मन्नत मुराद जो भी मांगते सब, बीमारी होती है वो भी सब भलाई दूर होती है। अच्छा यहाँ पे फैस मिलता है जी जी, मेरे बाबा मिल जाएंगे यहाँ पर, तो कभी भी आके जरूरत कर सकते हो आप। और हमारे एक भाई है सुलेमान भाई, वो भी मिल जाएगा आपको, जिसकी मैंने एक बार वीडियो बनाई थी। और ये दरगाह शरीफ है बहुत ही खूबसूरत प्यारी, आप आए रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे जरूरत करते हुए जरूर जाए इस दरगाह शरीफ पे, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने दरगाह शरीफ है। देखिए ये पेड़ है, इस पेड़ में तोते बैठते हैं, अभी दिख नहीं रहे तोते, ये उड़ा देखो ऊपर, ये देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा तोते आके बैठते हैं, इसलिए इनको दरगाह का नाम तोते वाले बाबा भी इसका नाम रखा गया है। तो आप यहाँ के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो। मोइन भाई ये जो दरगाह शरीफ थी इनका और भी कुछ नाम से बुला जाता है क्या? मेरे घर
घर वाले और बचपन में तोते वाली जलवा भी बोले जाते थे इनको, क्योंकि अभी भी अपन जाएंगे ना बाहर हाँ। तो बहुत सारे तोते पेड़ पे बैठे मिलेंगे जो अभी चिल्ला रहे चेचे कर हाँ। इस वजह से तोते वाले बाबा भी बोलते हैं रेलवे स्टेशन। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप ले। तो फाइनली हमको टिकट मिल गया, हम तीनों को टिकट एक ही में आ गया, ये 45 रुपये टिकट पड़ा है, हमने ले लिया है। और डेमो ट्रेन में शायद 7:15 डेमो ट्रेन जाएगी जो फुलेरा जाएगी, हम उसमें पहली बार अजमेर शहर से हम बिजली वाली ट्रेन में सफ़र करेंगे, क्योंकि अभी हाल में बिजली वाली ट्रेनें शुरू हुई है अजमेर में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में सफ़र करेंगे। पहले फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा, जो हम इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन में सफर करें। तो फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, हमको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, सुबह हो चुकी है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लगता है, इस बार ओस नहीं गिरी, मतलब कोहरा नहीं है। नहीं, कुछ दिनों पहले मैंने कोहरा वाला वीडियो दिखाया था जो कि आपको तारागढ़ से दिखाया था, क्योंकि 26 जनवरी 26 जनवरी हो गई आज, तो आज हमारे देश की क्या हो, आज 26 रिपब्लिक डे है, आज रिपब्लिक डे है, तो सबको रिपब्लिक डे मुबारकबाद हो। आज के दिन संविधान लिखा गया। हाँ, ये तारागढ़ देखिए यहाँ पर दिख रहा है कितना खूबसूरत प्यारा, ये हमारा अजमेर का घंटाघर, ये अजमेर शरीफ और ये अजमेर शहर का रेलवे स्टेशन। ये ब्लू कलर की ट्रेन है भाई, अब इसमें कौन से डब्बे में हमें बैठना ये तो पता नहीं है, कुछ तो बोलते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो हम लोग अजमेर के जंक्शन पे पहुंच चुके हैं, सामने देख सकते हो अजमेर जंक्शन लिखा हुआ है, अब जाते ट्रेन दिखाते हैं। ये देखिए हमारी ट्रेन है ये वाली, अब इस ट्रेन से हम लोग सफ़र करेंगे, डेमो ट्रेन अजमेर शरीफ की बिजली लाइन वाली। पहले हमारी डेमो ट्रेन आ चुकी है और अब इसमें सफ़र करेंगे, कैसा क्या रास्ता रहेगा पूरा बताएंगे आपको। फुलेरा यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है वो मैं आपको पूरा रास्ते में बता दूंगा। तो हमारी ट्रेन आ गई तो चलते हैं, आप कैसा मान लो वो बताते हैं आपको। भाई कितने डब्बे क्योंकि मैंने मुंबई में देख रहा था, अभी अजमेर में चल रही है, तो कम से कम एक दो हो गए यार, 10 से 12 डब्बे या 15 डब्बे शायद होगी, 10-15 डब्बे। तो ये बिजली के बिजली से होने से फायदा होगा कि अपने अजमेर में भी चल रही है ना, और पूरा लोकल ही है, हाँ पहले बम्बई में चलती थी ऐसी ट्रेन। तो ये हमारा अजमेर शहर का रेलवे स्टेशन अभी खाली पड़ा है, अभी ट्रेन आई नहीं है, अब ट्रेन आना शुरू होंगी सारी। तो भाई लाइट जल चुकी है, अब ये ट्रेन चलने वाली, इसमें पर एक चीज़ का नज़र आया, चार्ज करने का नहीं है शायद, चार्ज करने का मेरे को कहीं मिला नहीं इसमें यार। तो भाई मैं पूरे ट्रेन में अभी यहाँ पर देखा हूँ, चार्ज करने का नहीं है, बाकी बटन वगैरह सब कुछ है, चार्ज करने का होगा कहीं ना कहीं तो होगा, पर मेरे को मिल नहीं रहा है। और ये ट्रेन की आवाज़ सारू भैया एक मिनट, तो भैया ट्रेन आ चुकी है, आवाज़ आई किसी ट्रेन की, ऐसी की आवाज़ है, नहीं वो आई ट्रेन, उधर दिखाओ, उधर हाँ ट्रेन आ गई है, दिखा दो भाई जूम करके ट्रेन कौन सी आई है। ये आई है दिल्ली टू मुंबई। तो देखिए एक ट्रेन सुबह सुबह आ चुकी है हमारे अजमेर शहर में, अब सारे बिजली वाली डब्बे वाली ट्रेन चल रही देखिए, हाँ पहले सब चलती थी वैसे, अब बिजली वाली चलती सारी ट्रेन है। तो भाई इतनी ठंड अभी भी ऐसी बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी ठंड हो रही है ना यहाँ पर, ये देखिए जो हमने पकड़ रखे ना, तो अभी बहुत बर्फ़ की तरह ही ठंड हो रहा है, और ये पूरा देखो पकड़ने के लिए बना रखा है इसमें, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर सुविधा दी गई है, पता है ना, बिल्कुल दिल्ली की मेट्रो ट्रेन बोल दो या मुंबई की लोकल ट्रेन, हाँ या हमारे अजमेर की लोकल ट्रेन है, वैसे ही दिख रही है भाई, डेमो तभी तो इसका नाम है, डेमो ट्रेन। चलिए बैठो, मैं कहाँ बैठूँ, तुम यहीं कहीं बैठ जाओ। तो फाइनली हमारी ट्रेन चलने वाली है, और हमारा भाई पानी लेकर के आया, ये देखो ये डर गया था, पर कोई बात नहीं ट्रेन आ गई है और पानी भी आ गया, सॉरी पानी आ गया, ट्रेन यही है। तो देखिए हमारी ट्रेन चलना शुरू हो गई, भाई तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, और कहाँ से आए आप, यूपी, कहाँ से आए, बहरेज शरीफ से, सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह की बारगाह से आए हैं, और आज अजमेर शरीफ दरगाह का इन्होंने ज़ियारत कर लिया है, बेशक बेशक, और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि गरीब नवाज इनको अपनी बारगाह पे फिर से बुलाए। देखो इतना मान्यता इतना अकीदा होता है कि जाने से पहले सलाम करते हुए भाई जा रहे हैं, और हम तो यहाँ पे जा रहे हैं गरीब नवाज के पोते साहब की बारगाह पे, और ये हमारे भाई वहाँ से आए, और इनका गरीब नवाज के बारगाह पे जो है ना चिल्ला मुबारक, सैयद सरार मसूद गाजी रहमतुल्लाह का चिल्ला मुबारक भी यहीं पर है। ये ट्रेन जो है ना ये पूरा घूमती है, ये देखिए घूमना शुरू हो गए, हल्का हल्का धुआं तो हो रहा है, ये देखिए
देखिए चल अजमेर चल रेलगाड़ी, ये देखिए हमारी गाड़ी घूम रही है। एक चीज ये है हमारे अजमेर शहर में कि पूरा गोल गोल रास्ता बना है ना मोइन भाई, घूमते हुए रास्ता बना हुआ है पूरा। कितनी मस्त लग रही है ट्रेन। हाँ पूरी ट्रेन आपको गोल गोल घूमते हुए दिखेगी देखो, और ये सुबह सुबह का नज़ारा आपको ऐसा दिखेगा। और आपको बता दूं अगर आप लोग अजमेर शहर से फुरेला जंक्शन जा रहे हो यानी रेलवे स्टेशन, और ट्रेन के जरिए सांबर शरीफ दरगाह जाना चाह रहे हो, तो आपको फुलेरा अजमेर शरीफ से 95 किलोमीटर पड़ेगा यानी 95-98 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और वहाँ से 7-8 या 10 किलोमीटर के आसपास में आप लोगों को सांबर शरीफ पड़ेगा। तो वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, मैं वहीं पे जाके अभी ऑटो वगैरह का क्या रेट बताऊँगा जाके। तो सामने से एक और ट्रेन आ रही है हमारी पासिंग करते हुए, वो हॉर्न दे देकर सिग्नल दे रही है कि अभी सामने से मैं आ रही हूँ। तो देखिए भाई ट्रेन चल रही है ऊपर, तो वो जा रही है रॉकेट जा रही है, और नीचे देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है कोहरा का। और मैं इसी तरीके से आप लोगों तक मैसेज पहुंचाता था, पहुंचाता हूं, इंशाल्लाह पहुंचाता रहूंगा। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत प्यारा मॉल है अजमेर शहर। चल अजमेर चल रेलगाड़ी। आप ये सामने ऊपर जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये पहाड़ पे जो देख रहे हो जिंदा शाह मदार, जो कि मकनपुर शरीफ में इनकी दरगाह शरीफ है जिंदा शाह मदार की, तो ये जिंदा शाह मदार की बारगाह है, और इनकी बारगाह के सामने इन्हीं के नाम से रेलवे स्टेशन है। इनकी बारगाह के नाम से यहाँ पे मदार जंक्शन है, देखिए ये मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये करम नहीं तो क्या है बाबा जान का, देखिए ये रहे। ये ऊपर दरगाह से चिल्ला मुबारक है उनका, ये देखिए इनका चिल्ला मुबारक है जिंदा शाह मदार का ऊपर पहाड़ी पे। यहाँ का उसका पूरा वीडियो बनाया था मैंने, बहुत ज़्यादा वायरल है, और ये इनके नाम से पूरा रेलवे स्टेशन देखिए, और यहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई देखिए, ये मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये पहुंच गए हम मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन। कहाँ रुकी भाई आप? रुक गई ना, अब रुकेगी ये यहीं पे, ये देखो। और एक चीज़ बता दूँ, ये मदार जंक्शन जो है यहाँ पर ना ट्रेन बनती है ज़्यादातर, ही देखिए ट्रेन का रिपेयरिंग का काम वगैरह सब यहीं होता है ज़्यादातर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सुबह सुबह का माहौल है, और राजस्थान में कुछ इस तरीके का सुबह सुबह बिल्कुल सूरज उगता हुआ आपको दिखेगा, काफ़ी खूबसूरत दिखे, बिल्कुल क्लियर सूरज नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो राजस्थान में ठंड के मौसम में जब आओगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे ओस दिखेगी ऊपर सूरज दिखेगा, कुछ ऐसा व्यू आपको नज़ारा दिखेगा। तो जैसे कि गाइस आपको पता है हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, डेमो ट्रेन में, काफ़ी अच्छा लगा सफ़र, काफ़ी रोमांचक है। ये मेरे पास गोप्रो है, मैंने सोचा था गोप्रो से वीडियो शूट करूँगा, बट अभी शूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ गोप्रो से, क्योंकि आईफोन इज़ द बेस्ट, सारी क्वालिटी आईफोन दे दे रहा, पर ये कई जगह अलाउ होता है, दरगाह में कहीं नहीं होता है, पर वो जरूर अलाउ होता है, हर जगह होता है, इस वजह से आईफोन से बना, तो नहीं तो चाहता तो मुझसे भी बनाता, आप लोगों के लिए ये लेके आया था। इंशाल्लाह अगली बार कहीं बाहर कंट्री टूर करूँगा जिससे बनाऊँगा। और ये रही हमारे को रेलवे पानी की बोतल मिली, देखिए रेलवे पानी की बोतल मात्र 20 रुपए की। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे पहली बार मैं देख रहा हूँ कोहरा बह रहा है, जैसे कोहरा बह रहा था वैसे यहाँ पे भी कोहरा बह रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा इतना खतरनाक कोहरा गिर रहा है। ये देखो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, एक स्टेशन आया है, वो स्टेशन ही नहीं दिख रहा, वो स्टेशन ही गैप पड़ा है, है भाई स्टेशन ही नहीं दिख रहा ढंग से यार, कौन सा स्टेशन है गायल होता ये आधा ही गायब हो गए, तो सिड्डिया गायब हो गई आधी आधी, तो सिड्डिया गायब हो गई, तो गाइस जैसे कि आपको पता हम सांबर शरीफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें कोहरा मिल गया कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ आपको कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा, बाहर दिखाओ थोड़ा सा क्या देखिए, कोहरा वहाँ पर भी कोहरा नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी, इतना खतरनाक कोहरा हो गया भाई जयपुर में। अजमेर में तो इतनी खतरनाक धूप हो रही थी, और जयपुर में दाखिल होते ही यानी फुलेरा पहुंचने से पहले इतना खतरनाक कोहरा हमने सोचा ही नहीं था यार, मजा आ गया भाई, पैसा वसूल हो गया हमारा, बहुत मजेदार सीन आ रहा है। आज पहली बार हम लोग सूरत को उसी तरीके से देखा, पता है ऐसा लग रहा है जिसको चांद, हाँ चांद की तरह लग रहा है ये।
यूपी में तो और खतरनाक ठंड पड़ रही है भाई। मोइन भाई यूपी में तो और खतरनाक ठंड पड़ रही है। तो गाइस जैसे कि आपको पता हम लोग अजमेर शहर से निकले थे तो तब रास्ते में हमारे को धूप नजर आई थी, पर जैसे हम लोग जयपुर जिले में एंटर हो गए यानी फुलेरा से सामर शेख दरगाह के लिए निकले थे, इतना ज्यादा कोहरा, इतना ज्यादा माहौल, इतना खूबसूरत कि मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ सबको मैं बयान नहीं कर सकता। और सूरज जो है ना चांद की तरह नजर हमारे आंखों के सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चांद है, सूरज नहीं है ये, चांद की तरह पूरा आंखों से अपने के लिए हम सूरज को आज अपनी आंखों से देख सकते हैं। यार बहुत मजा आ रहा है, पर ठंड बहुत बढ़ गई है, भाप निकल रही है। तो भाई हम लोग फुलेरा पहुंच चुके हैं और फुलेरा पहुंचने के बाद में हम लोगों ने पता क्या करा, हम लोग रास्ते में आधे रास्ते में उतर गए ना, यहाँ से कितना 800 मीटर की दूरी पर दरगाह है बाबा लोटन शाह की, तो हमने सोचा दरगाह शरीफ तुम्हें दिखाना है तो उतर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर बाबा की दरगाह है तो इतना तो हम चल ही सकते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि चल लेते हैं पैदल और आपको दिखाते हैं, चलो थोड़ा एडवेंचर भी होना चाहिए। वैसे तो ट्रेन है सामने, बाकी है ये देखो ट्रेन जा रही है हमारी। मेरा फोन गिर गया, देखो मेरा फोन गिर गया भाई, और ट्रेन बहुत तेजी से भाग गई है हमें छोड़ के। बाजू में रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के पास में मस्जिद है, अब हम लोग जा रहे हैं दरगाह शरीफ की तरफ। ये देखिए रास्ते में मस्जिद है और दरगाह शरीफ सामने ही है, रेलवे पट्टी वाली दरगाह शरीफ है, हम जा रहे हैं वहाँ पे दिखाने आपको मदीना मस्जिद फुलेरा की। देखिए सामने ट्रेन खड़ी हुई है और ये सामने बाबा की मज़ार है, माशाल्लाह यहाँ पे कुछ इस तरीके से जिंदा करामत होती है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को फाइनली ये जो दरगाह शरीफ है इसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और पूरे अच्छे से वीडियो बताऊंगा कि बाबा जान की क्या जिंदा करामत है, सांप का वाकया और रेलवे पट्टी का वाकया, तो पूरा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, आपको पूरा अच्छा बताऊंगा। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए यहाँ पे हम फुलेरा के रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, अब बाहर जाते हैं, बाहर जाकर के कैसा माहौल है वो बताएंगे, ये फुलेरा टेम्पो ऑटो क्या मिलेगा हमको वो बताएंगे आप। और जो भी जारीन ख्वाजा मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके आसानी के लिए बता दूं कि जो भी अजमेर शरीफ से सामर शरीफ दरगाह जा रहे हैं तो फुलेरा जंक्शन से और सामर शरीफ कैसे जा सकते हैं, तो पूरा रूट इसीलिए बता रहा हूँ आपको। तो अजमेर शरीफ से ट्रेन में फुलेरा जंक्शन जाएँ और वहाँ से फिर आपको टेम्पो मिल जाते हैं जो कि 8 किलोमीटर दूरी पर आपको छोड़ देते हैं ले जा कर के सामर। रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं अजमेर टू फुलेरा, काफ़ी मैं मैप में बता दूँगा कितना दूर पड़ता है ये फुलेरा रेलवे स्टेशन आ गए हम लोग। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग सामर शरीफ के लिए। तो रेलवे स्टेशन के बाहर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे होटल वगैरह रूम वगैरह मिल जाते हैं आपको, देखिए। और अब यहाँ पे भूख लग रही है हमारे को सबसे ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ देखेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, तो अभी कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। ये फुलेरा रेलवे स्टेशन, तो देखिए यहाँ पे गाँव में ज़्यादातर यहाँ पे चलती है जिप्सी, तो हम भी देखेंगे कोई जिप्सी हमारे लिए भी मिल जाए तो हम जिप्सी में बैठ के सफ़र करेंगे, गांव का सफ़र जिप्सी में है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से गांव वाली जिप्सी दिखेगी। भैया भैया ओ पिंटू भैया रुको, तो आप देखिए यहाँ पर जिप्सी मिलेगी। भैया अगर हमारे को सांभर जाना है और अपने पास सवारी एक है और सात है, कितने रुपये लगेंगे, कम से कम कितनी सवारी इसमें बैठ सकती है? 9 सवारी बैठ सकती है, कई रुपए लगेगा? 500 रुपये सांभर के, आना जाना है सिर्फ जाना है, जाना आना 500 रुपये? छोड़ आएंगे। और अगर एक आदमी जाना चाहेगा तो शेयरिंग में कितना पड़ेगा? अच्छा सवारी में नहीं होगा, बुक करके जाना पड़ता है क्या? ठीक है 500 रुपये में देखिए आप बुक करके यहाँ से जा सकते हो। काफी खूबसूरत प्यारी जिप्सी है ये देखिए, ये गांव में अगर आप आ रहे हो तो ज़्यादातर जिप्सी में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए जिप्सी वाला लुक, तो आप आओ तो जिप्सी में जा सकते हो। तो ये यहाँ का चौक है और वहाँ पे मस्जिद थी एक छोटी सी पुरानी, ये यहाँ का चौक है। अब यहाँ पे देखते हैं गाड़ी वगैरह कुछ हमारे लिए क्या मिलते हो। जिप्सी वाला तो ज़्यादा बोल रहा है यार, 500 रुपये पर आदमी बोल रहा था, पर आदमी नहीं बोल रहा था मतलब पूरी जिप्सी बुक करके लेके जाओ 500 रुपये, 10 से 12 या 9 आदमी आराम से उसमें बैठ सकते हैं जितना आप चाहो। तो मैंने सोचा भैया हम तो बस से जाएंगे या कोई शेयरिंग टैक्सी मिलेगी उससे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आप जैसे तो हमें ये टैक्सी मिल चुकी है हमारे भाईजान की। अगर हमें सामर जाना पर सवारी कितना लगेगा भैया? 20 रुपये सीट है, और पर्सनल बुक करके जाएंगे पूरी गाड़ी को तो कितने? 200 रुपये पूरी बुक, और आना जाना 500 रुपये, आना जाना करवा रहे तो 400 रुपये, और जाना जाना 200 रुपये। वाह यार भाई 20 रुपये पर सवारी में, यहाँ पे गाड़ी है इधर
ये देख सकते हो अभी हम लोग जा रहे हैं सांबर शरीफ के लिए। ये देख सकते हो और इसमें कितने आदमी आ सकते हैं भैया? 10 आदमी। और सांबर शरीफ यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 10 किलोमीटर दूर है, फुलेरा से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? अब्दुल रतीफ भाई। ठीक है, बहुत। तो भाई हम लोग जा रहे थे सांबर शरीफ। तो सांबर शरीफ जाने से पहले हमें यहाँ छोटी मिनी ट्रेन दिख रही है, अरे ट्रेन नहीं रे बाबा यार, अरे ये तो बॉडी में बस ट्रेन का पो बना हुआ है, क्या कहते हैं, पेंटिंग बनी हुई है, पेंटिंग शमशान है ये तो शायद। अब तो गाइस एक चीज बता दो, हमारे साथ स्कैम हो गया यार, बहुत बड़ा वाला स्कैम हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, नजरों का धोखा। रास्ते में एक शमशान मिला जो बिल्कुल ट्रेन के ट्रेन जैसे लग रहा, हमें लग रहा कि ट्रेन सामने खड़ी थी क्या, पर वो पेंट करा हुआ था दीवालों में। तो मैंने कहा छोटी सी ट्रेन कहाँ से आ गई यार, मतलब मिनी ट्रेन भाई, मजा आ गया भाई। ये फुलेरा है और ये सांबर है, ये जयपुर स्टेट है, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ। नामुमकिन भी मुमकिन है यहाँ पे। हाँ। तो हमें ये टैक्सी मिल चुकी है, हमने इसमें सफर कर रहे हैं। ये टैक्सी में सफर इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको नॉलेज के लिए, नहीं तो मैं तो मेरी कार से भी आ सकता था, मेरी बाइक से भी आ सकता था, पर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ट्रेन और टैक्सी सारा रास्ता आपको बताया हूँ मैं। तो चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। तो आप देख सकते हो सांबर शरीफ जाने के लिए डबल लाइन बन चुकी है यहाँ पर और बिजली लाइन भी हो गई है। अगर आपको सांबर शरीफ जाना है तो ट्रेन से भी आप लोग सांबर शरीफ जा सकते हो और बाकी टैक्सी और गाड़ी से भी जा सकते हो। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो हम लोग सांबर शरीफ पहुँच चुके हैं और अब चलते दरगाह शरीफ के पास पे, कैसा क्या माहौल है पूरा बताते हैं और उस कितने दिनों का चलता है वो भी बताएंगे और वहाँ पे होटल वगैरह के भी और बताएंगे। तो फाइनली हम लोग दरगाह शरीफ के पास पहुँचने वाले माशाल्लाह, और हमारे भाई लोग ज़ियारत कर करके जा रहे हैं। देखिए तो देखिए माशाल्लाह अभी ये पूरा मार्केट है, जैसा हमारे वहाँ अजमेर शरीफ का मार्केट है वैसे यहाँ यहाँ का मार्केट है और आ गए हम लोग दरगाह शरीफ के पास। तो कैसा क्या माहौल है, चलो चलते हैं दिखाते हैं। ये यहाँ का पुराना शहर है, आप देखिए ये देखिए कचौरी क्या बन रहा है, क्या बन रहा है मोइन भाई, वो ताजा दाल। अच्छा लगता है, क्या बात कर रहे हो? हाँ देखिए भाई यहाँ पर ये फेनी बहुत मशहूर है, बनती है। ये देखिए जलेबी बन रही है यहाँ पर, गरम गरम जलेबी तैयार हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है पुनी वाला शुद्ध देसी घी की फेनी, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हैं और डब्बे में पैक कर। कितने रुपए का पड़ेगा ये डब्बा? 150 रुपए का एक है। तो अगर आप लोग सांबर शरीफ में आ रहे हो तो सांबर शरीफ में आपको ये मिठाई यानी फेनी लेकर के जा सकते हो तवर्रु के तौर पे, बांटने के लिए तोहफे के तौर में लोगों को, क्योंकि ये यहाँ पर आपको खासी तादाद में पूरे शहर में आपको मिल जाएगी। कितने रुपए किलो है भैया ये? हाँ मीठी वाली कितना? 150 रुपए किलो है भाई मीठी वाली। तो आप ये लेकर के जा सकते हो, मैं भी मेरे घर के लिए लेके जाऊँगा। दरगाह शरीफ के पास में पूरा मार्केट लगता है, ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हर तरीके की फैनी है, यहाँ पर मीठी वैसी जैसी चाहिए आपको सब तरीके की मिल जाएगी। ये देखिए जहरीन ख्वाजा, ये पहुँच गए हम लोग दरगाह शरीफ के पास। सुभान अल्लाह, तो देखिए कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है यहाँ पर। ये आ गए हम लोग दरगाह शरीफ पे, ये उस मेले का माहौल। अब नेक्स्ट पार्ट में आ गया, बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे बाबा जान की क्या करामत है और उठ कितने दिनों का चलता है और किस तरीके से मनाया जाता है, वो पूरी जानकारी आप लोगों को हम देंगे। तो आप देख सकते हो हम लोग सांबर शरीफ के दरगाह पहुंच चुके हैं ख्वाजा इसामुद्दीन रहमतुल्लाह अली की बारगाह पे, और अभी आज का यहाँ पे उर्स मुबारक है, तो जुम्मे की नमाज का माहौल दिखाएंगे आपको और इसके साथ साथ यहाँ पे कुल की जो रस्म होती है वो रस्म भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखें ताकि समझ में आए। और ये हमारे बड़े भाई का घर है इंशाल्लाह, यहीं से दिखाया हमने भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाम क्या होगा?
मेरा नाम मोहम्मद शफी कुरैशी है, मेरा होटल है दरगाह के पीछे गरीब नवाज। अच्छा, यहाँ पे होटल भी, रूम वगैरह भी है? नहीं, रूम नहीं है, खाने का होटल है। अच्छा, खाने का होटल है। रूम्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, अगर कोई जायरी आना चाहे तो रूम भी मिल जाते हैं। अच्छा, वही कई लोग पूछते ना कि भाई हम लोग यहाँ पे आएंगे तो रूम वगैरह चाहिए, तो मिल जाते रूम वगैरह? रूम्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी तो क्या उर्स चल रहा है तो पब्लिक ज्यादा है, तो रूम्स बुक है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। उर्स के बाद में अगर 11 महीने कभी भी आओ रूम्स मिल जाते। कितने रुपए में मिल जाएंगे ये? 500 रुपए, 1000 रुपए मिनिमम चार्ज। अच्छा, मतलब अच्छा से अच्छा रूम। हाँ ठीक है। और खाने के होटल भी है आस पास में? होटल है आपके यहाँ? होटल है गरीब नवाज नीचे पीछे। कौन से नंबर गेट पे है? पीछे वाले दरगाह के जस्ट पीछे गेट के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, इनके होटल भी दिखाते हैं भाई। तो आप देखिए तो दरगाह शरीफ का ये पीछे का गेट है जहाँ पे लिखा हुआ है गरीब नवाज खाने की होटल है। ये हमारे बड़े भाई की, तो हमारे बड़े भाई से पूछेंगे, भाई ये परमानेंट दुकान है अपनी? परमानेंट दुकान। अगर कोई खाना खाने आ रहा है तो यहाँ पे कितने रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है? 50 रुपए से 80 रुपए बढ़ेगा। ये देखिए अभी यहाँ पे जुम्मे की नमाज होगी इंशाल्लाह, तो कैसा रहेगा माहौल पूरा आप लोगों को बताएंगे। ये हमारे भाई की दुकान है गरीब नवाज गेस्ट हाउस। ये देखिए अभी माहौल हो रहा है धीरे धीरे करके यहाँ पर। सुभान अल्लाह।